नमस्कार तमाम प्रतियोगियों और उन मित्रों को जो आजकल भेंट उट तो हो नहीं रही है, जाहिर है भेंट होनी भी नहीं चाहिए। और 21 दिन की लॉकडाउन जैसा कि प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के कर चुके हैं, जाहिर सी बात है ये हमारी सेहत की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, देश की सेहत की दृष्टि से ज़रूरी है। कोरोना का जो पूरा एक वातावरण बन गया है पूरी दुनिया में, उसकी दृष्टि से सही है। आप सभी प्रतियोगियों को, बेसिकली मैं उन सभी को जो नियमित कक्षा में आते थे और आजकल आप, मैं समझता हूँ कि आप सेहतमंद होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे और घर में ही रहिए। और जैसे हर व्यक्ति को का 10-20 लोगों में अपना एक प्रभाव होता है, ऐसा मैं समझता हूँ कि मेरे जो प्रतियोगी छात्र हैं वो कहीं ना कहीं जो मुझे मान सम्मान देते हैं, इस नाते ही सही मेरी अंतिम एक वाणी है कि आप घर में ही रहिए, कम पढ़िए, ठीक से खाना खाइए या कम ही खा लीजिए, 2-4-10 दिन चलेगा, बट सेहतमंद रहते हुए आप घर में ही रहिए। आपको ज्ञात हो गया होगा सारी चीज़ें, आप इंटरनेट वगैरह से जुड़े हैं। मैं, आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से मैं वीडियो लेक्चर का नहीं डाल पा रहा हूँ, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आपको मालूम होगा कि ब्रॉडबैंड की जो व्यवस्था है वो ऑफिस में है, और मैं ऑफिस में तो हूँ नहीं, मैं भी घर पर हूँ। और मैं जो ये वीडियो जो देख रहे हैं, जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये मेरे घर के ऑफिस का है, मैं घर के ऑफिस से ही बोल रहा हूँ और इसको थोड़ा सा बेहतरीन करके थोड़ा लुक दिया हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 20 मई को जो उत्तर प्रदेश PCS की मुख्य परीक्षा है वो तो समाप्त हो गई है, आपको मालूम है। जाहिर सी बात है कि 14 अप्रैल तक जब लॉकडाउन है, आगे की परिस्थिति का पता नहीं है, जैसी स्थितियाँ होंगी वो आपको पता हो रहा होगा। और जो PCS जो UPSC की सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स की जो 2020 की होनी है मई में, वो भी अभी तो टली नहीं है, एडमिट कार्ड इंटरनेट से आपने शायद निकाल लिया होगा, लेकिन स्थिति के हिसाब से वो भी क्लियर हो जाएगा कि उसका क्या होना है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम लोग तैयारी किया करते थे 94, 93, 94, 95 तो चलता रहा 2002 तक, तो उस दौर में जब भी मई जून में पेपर हमेशा होते थे, ये देखा गया, और हम लोग अक्टूबर नवंबर में मेंस देते थे। तो मैं आपको बताऊं कि ये छुट्टी हालांकि एक परेशानी के कारण हुई है, कोई खुशी नहीं है इस छुट्टी से, लेकिन चूंकि जब देश ही और दुनिया ही संकट में है और सेहत प्राथमिकता है, तो घर में बैठना ही लाजमी है और घर में बैठना ही विकल्प है और अनिवार्यता भी है। तो इस नाते आपको एक फ़ायदा इसका लेना चाहिए कि जब हम लोग, जैसे मैं अपनी बात बता रहा था, तो हम लोग एक प्रकार से कमरे में पैक हो जाते थे 2-3 महीना पहले, जब प्रीलिम्स की तैयारी जैसे मई जून में बताया, तो ये टाइम बड़ा क्रूशियल होता था प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। तो जाहिर सी बात, हम लोग भी एक प्रकार से अंडरग्राउंड ही हो जाते थे, छोटे छोटे इलाहाबाद में रहते थे, किराए के कमरे होते थे, और सुबह शाम वही आप जानते हैं कि प्रेशर कुकर में दाल के साथ चावल भी कंटेनर में पकता था और आलू भी साइड में डालते थे, चोखा बनता था, दाल चावल चोखा, और शाम को रोटी सब्जी, यही चलता था। और 2-4 दिन के बाद जब सब्जी उब्जी की कुछ कमी रहती थी तो बाहर निकला जाता था शाम को, बाकायदा घर में ही पैक रहते थे। तो हम जैसे लोगों को, जो हम लोगों ने 13 साल तक 1989 जब BSc सेकेंड ईयर में पढ़ते थे, उस समय इलाहाबाद में ही थे, तब से लेकर के 2002 तक जब तक ये पढ़ाई में रहे, तैयारी वगैरह के फॉर्म में डिग्री के, तब इसी तरीके की एक आदत थी। तो इस लॉकडाउन से एक आदत तो पहले से रही है। मैं आपको, आप प्रतियोगियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इसका दूसरे ढंग से एक फ़ायदा भी देख सकते हैं कि आप इस समय सेल्फ स्टडी के दौर में हैं। उस दौर में जैसे कि मई जून में जब प्रीलिम्स होते थे तो हम लोग कहीं 2-3 महीना निकलते नहीं थे, हफ्ते हफ्ते भर में 2-4 दिन में जब कोई चीज़ घटता था, कभी कभी तो आपको ये भी बताएं कि जब हम लोग खाना बना रहे होते हैं तो पता चला मसाला नहीं है, तो कहते बिना मसाले के ही आज खाना खा लेंगे। तो इस तरह से कंप्रोमाइज़ करने की कैपेसिटी पुरानी है। आप सभी प्रतियोगियों में ये कैपेसिटी है और सभी में होती है, वक्त के साथ इसको बाहर निकालना पड़ता है। इसलिए FW Taylor की वो थ्योरी जो 1911 में साइंटिफिक मैनेजमेंट की किताब में उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति कितना उत्पादन कर सकता है, व्यक्ति अगर 10 यूनिट उत्पादन करे तो टेलर कहता था और कर सकते हैं,
15 यूनिट करे तो भी कहता था टेलर और कर सकते हैं, लेकिन टेलर ने ये कभी बताया ही नहीं कि आपके अंदर उत्पादन कितना छुपा है। तो आपके अंदर कैपेसिटी एकांत में रहने की, भीड़ में रहने की सबके पास है। आज एकांत में रहने की जो कैपेसिटी है, आप अगर 10 दिन घर से नहीं निकलते, आप 15 दिन घर से मत निकलिए, आप 20 दिन घर से मत निकलिए, आप देखिए आपके अंदर ये कैपेसिटी है। पढ़ने वाले लोगों के लिए, खास तौर से जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, भले ही आगे एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम प्रीलिम्स का सिविल सर्विसेज का, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप एक हैबिट बना सकते हैं। आप घर में रहने का भरपूर हैबिट बनाइए, और आपको है भी, जब आप कोचिंग में आते थे तो 3 घंटे की क्लास के बाद आप घर ही तो जाते थे और घर में ही रहते थे। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, बड़े डेडिकेटेड और कमिटेड हैं और घर पर इसलिए रहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहेंगे तो पढ़ाई होगी। और आज आपको 21 दिन कम से कम लॉकडाउन के इस पीरियड में तो 100% घर में रहने का पूरा मौका है, और आप इसमें खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए, सोइए ठीक से और ठीक से पढ़िए। और आपको ये दौर जो, अगर UPSC माना 31 मई को जो प्रीलिम्स का पेपर अगर लेता भी है, तो आप इसमें देखेंगे कि आपके पास ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, इसका उपयोग करिए। मैं आज यही बताने आया था कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको 10-10 मिनट का, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रॉडबैंड मेरे घर पे नहीं है, ऑफिस में है और ऑफिस में जा नहीं सकता हूं, और इस आधार पे मैं जो भी कैपेसिटी 1.5 GB 2 GB का जो टेलीफोनिक है उसी के आधार पर मैं वीडियो 10 मिनट का लेक्चर देता रहूँगा। आप सुनिए, उसका कुछ ज्ञानवर्धन में, आपका ज्ञानवर्धन करने में जुड़ेगा, कुछ परीक्षा की स्ट्रेटजी में काम करते रहेंगे। बाकी इस जो आपदा है, जो महामारी है, उसमें हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं, अपने अपने हिस्से की भागीदारी निभाइए। मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं, आर्टिकल 51A में आप पढ़ते रहते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम सिर्फ अधिकार ही ना जताते रहें, अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। और देश दुनिया के भीतर जो समस्या है, देश सरकार की जो गाइडलाइन है, हम उसका समझते हुए अनुपालन करें और 100% अनुपालन करें। कोई विकल्प नहीं हमारे पास, हमारी सुरक्षा अंतिम विकल्प है, और आज के दौर में इसको ध्यान में रखिए। सभी प्रतियोगियों को एक बार फिर मैं ये बात कहते हुए, आप सभी को थैंक यू वेरी मच। घर में रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और परीक्षा हो या ना हो पढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक यू।